हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। और आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर आप सबको एक बात बताने वाली हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि हमारा जो डॉग है, दो तीन व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो वो बहुत प्यारा सा है। तो वो दिन भर ना बंधा, उसको ना हम लोग बांध के रख देते हैं, और शाम का टाइम में उसको भी बाथरूम वगैरह जाना होता है, तो हम लोग शाम को और सुबह को दो टाइम उसको खोल देते हैं। तो आज क्या हुआ कि जैसे कि हमने दोपहर के टाइम में, क्योंकि सुबह वो उसको खोला था तो वो कहीं पर नहीं किया था बोल के, फिर दोपहर को 1 बजे करीब हमने खोल दिया था, और अभी बज रहा है 1:45। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वो निकल के गया, एक गली में जाके घुसा था। ठीक है, तो हम देख ही रहे थे, तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद वो जब लौटा ना, तो उसके पैर में चोट लगा था, तो और उसको अच्छा काफ़ी चोट लगा था, तो वो बहुत चिल्ला रहा था। तो हमने सोचा कि वो शायद 2-4 कुत्तों को देखा होगा, इस वजह से वो भी भौंक रहा होगा। तो अभी जाके पता चला कि उसको चोट लगा है। फिर हमने बच्चे लोग को पूछा, तो बच्चे लोग ने भी बताया है कि उसको कुछ लोगों ने मिलके मारा है। तो अब आप सोचिए कि जो जानवर बोल नहीं सकता है, उस जानवर को किस तरह लोग मार सकते हैं। इतना मतलब गुस्सा आ रहा है ना उन लोगों के ऊपर। मैंने जाके पूछा कौन है, किसने मारा, कोई नहीं बता रहा है। अगर कोई बताता था ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने मारा है, मैं रियली जाके केस कर देती, क्योंकि किसी को हक नहीं बनता है कि कोई जानवर को मारे। अगर वो जानवर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो उनका ऑनर हमें आके बोलना चाहिए कि ऐसा ऐसा बात है। तो उसने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया है, इज जस्ट कि वो वहां पर गया था, इस वजह से मारा है। ठीक है, और वो बहुत नॉर्मल डॉग है, वो किसी को काटता नहीं है, ज़्यादा भोंकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब पहचानने वाला है। तो लोग इतना खराब हो सकते हैं, इतने गंदे तरीके से कैसे मार सकते हैं। तो इस वजह से ना आज पूरा दिन में पूरा मूड ऑफ होके बैठा हुआ है, अच्छे से लंच भी नहीं किया है। बहुत बुरा लगता है ना कि वो अभी ना हमारा फैमिली का एक मेम्बर हो गया है। वो छोटा था जब हम लोग ने लेके आया था ना, वो सिर्फ 2-3 दिन का था, तब से वो है, और अभी उसका 3-4 महीना हो गया है, वो तब से अभी इतना बड़ा हो गया है ना, कभी भी हमने नहीं मारा है उसको। लोग कैसे मार सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, इस वजह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी हो, वेल देखते हैं, अगर कोई कभी वो इंसान का नाम बताएगा ना, तो उसका माँ की आँख हो जाएगा फिर, तो मुझे बहुत दुख लगता है। अरे हमने कभी मारने का है वो बेचारा, वो उसने कैसा मार खाया है, बहुत दुख लगता है। हम नहीं मारते उसको, उसको टाइम से खाना देते, सब कुछ मैं करती हूँ, और कोई मारे तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो गाइज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि मम्मी का बाल पक गया है, वाइट वाइट हो गया है, तो उनको हैना लगवाना है। तो फाइनली आज जाके मम्मी ने हैना लेके आया है, और मैं मम्मी को हैना लगाने वाली हूँ। फिलहाल तो हैना लगा देती हूँ, चलिए। होता है ना जो व्हाइट व्हाइट हेयर का जो एकदम सा जो रूट होता है, तो वहाँ पर मैंने ब्रश यूज़ किया है, टूथब्रश पुराना वाला जो था वही यूज़ किया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कुछ अच्छा ब्रश मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से मैंने दुकान पर जाके पूछा भी नहीं, मेरा ओल्ड ब्रश था वही यूज़ कर लिया मम्मी को। ठीक है,
और अभी बज रहा है 3:30। लगा है बहुत जोर से भूख, क्योंकि लंच अच्छा से नहीं किया आज, क्योंकि बुरा लग रहा था डॉग के लिए, तो उसने भी अच्छे से खाना नहीं खाया, तो हमें भी बुरा लग रहा था, इसलिए हमने भी किसी ने भी अच्छे से लंच नहीं किया। मैं सोच रही हूँ हल्का सा कुछ बना लूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। एग है, अंडा है और ब्रेड है, शायद अंडा और ब्रेड बना लूँगी। तो यहाँ पर मेरा सिंदूर लग गया है, मेरा कहीं पर भी कुछ भी लगता है, मेरा कोई फेस का मतलब क्या बोलूँ, छोड़ो। तो ठीक है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो बाय गाइस, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।